नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। चलती ट्रक को रोककर लूट करने वाले चार आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त वाहन पल्सर, एक प्लेजर वाहन एवं चाकू एवं नकदी रकम जब्त की गई है। दुर्ग जिले में अपराध पर नियंत्रण करने प्रशासनिक कसावट देखने को मिल रही है। बदमाशों एवं संदेहियों पर सतत निगरानी रखते हुए अपराधियों में पुलिस का डर बनाए रखने, दुर्ग पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए भिलाई नगर के हुड़को क्षेत्र में रात्रि करीबन 11 बजे पेट्रोल पंप के पास हुड़को भिलाई में चार आरोपी दुर्गेश सोनी, सचिन साहू, कोमल यादव और कुंदन निर्मलकर द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें चलती ट्रक से चढ़कर ड्राइवर के ऊपर चाकू टिकाकर उसके पास से नकदी एवं कंडक्टर द्वारा पकड़े एक सैमसंग मोबाइल को लूट कर ले गए थे। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण के आरोपी गणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपराध को कारित करना स्वीकार किया। इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, किस तरह से पुलिस? ये भिलाई नगर और दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के सरहदी इलाकों में, खासतौर से हुड़को और तालपुरी वाला जो अबैंडन इलाका, जिधर रात्रि में लोगों की आवाजाही कम रहती है, उन इलाकों में ये लोगों को चिन्हांकित करते थे, ट्रक, ऑटो आदि गाड़ियों को, और उनको हथियार चाकू वगैरह दिखा के उनसे मोबाइल और कैश आदि की लूट इनके द्वारा किया जा रहा था। पुलिस को रात्रि में सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल घेराबंदी करते हुए उनको पकड़ा और उनके पास से एक मोटरसाइकिल, कैश जो लूट किया हुआ था और कुछ हथियार चाकू आदि बरामद हुए हैं। और अभी चारों के खिलाफ दुर्ग कोतवाली और भिलाई नगर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और अगर प्रार्थी और भी आते हैं तो और भी मामले क्राइम उनके खिलाफ किए जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके द्वारा और भी क्राइम, लूट के वारदात को अंजाम दिया गया है। चूँकि प्रार्थी छोटी घटना या कैश का जो मूल्य कम होने के कारण या किसी अन्य कारणों से पुलिस के पास नहीं पहुँचे हैं, तो उनकी संख्या इसलिए कम दिख रही है, लेकिन हमको अंदेशा है इनके द्वारा लूट के और भी मामले क्या है।